तस्य सज्जनीय हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विन्य धौश्च शंखम दधमो प्रतापवान। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरु वंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रश्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तत् शंखश्च वीर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ यन्हन्त स शब्द स्तुम्भलो अभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वो संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तत् श्वेत तैरयुक्ते महती इस्यन्तने स्थितो माधवा पांडवश्च दिव्यो शंखो पद्मस्तु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येक्षाम पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जयसो की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती हैं। अतः जैसा कि विष्णु एवं भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ से दोनों मित्र आसीन थे वो अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कभी भी ये जाएगा वहां विजय निश्चित है। पांच जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा प्रकोदरा। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनके इंद्रियों के अंश हैं, क्योंकि निर्वेक्षवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है। इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनके इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वो इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीवन की शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौ तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाती हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम रकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबा सुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्रीकृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न
ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे ना ही भाग्य की देवी थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठरा नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको कायश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराट सत्यकीश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदयाश्च सर्वक्ष पृथ्वी पते सौभद्रश्च महाबहु शंखा नाददमु पृथक पृथक। अर्थात हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से ये बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अभिव्यक्त नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति का प्रोत्साहन किया था। स घोषो धार्तराक्षणाम हितयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्य नुनादयन। अर्थात इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा ध्वनि को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता। किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। अथ व्यवस्थी तान दृष्टा धार्तराष्ट्र कपि ध्वजा प्रवते शस्त्र संपाते धनुर्दम्य पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्य मिदमाह महीपते। अर्थात उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध प्रारंभ होने वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई ही कारण नहीं था। इससे वे अधिक इंद्रों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। अर्जुन उवाच, सेन योरु भयोर मधय रथम स्थाप्य मेच्युत यावदे तन्निरीक्षे योध कुमाना वस्थिनान कैर्म्या सह योद्ध व्यस्मनि रण इस मद में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच ना किया।
उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्ति कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता ना बने अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें, क्योंकि वे स्वामी हैं। अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन भी अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा ना थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता ना करके हट धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वो ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वो उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और ये देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। योत्से मानान वेक्षे हयम् या एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बोधे युद्धे प्रियचिकी शवः। अर्थात मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रश्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। ये सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मार रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ये तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की कोई योजना नहीं थी। ये भी तथ्य था कि वे उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशिन भारत सेनयो रुभ्योर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थात संजय ने कहा हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाका का अर्थ है नींद और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वो कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाए, क्योंकि भक्त का स्वभाव ऐसा ही होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनात्मक या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वे क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहते हैं। अतः उन्होंने वैसे ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेक्षाम च महिष्ठिताम उवाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनीति। अर्थात भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्दों का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी अभी ऐसी कोई आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है।
तत्रापश्च स्थितान पात्र पितृनाथ पितामहान आचार्यन मातुलान भारत पुत्रान पुत्रान सखिम स्थता शुशुरान सुहतश्चैव सेनियोरु भयोरपि। अर्थात अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वो अपने पिता के समकालीन भूरी श्रवा जैसे व्यक्तियों भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं शल्य तथा शकुनि जैसे मामाओं दुर्योधन जैसे भाइयों लक्ष्मण जैसे पुत्रों अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वो उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। तान समीक्ष्य सा कौन्तेया सर्वान बंधु नवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विशिद निम्दम्ब्रवीत। अर्थात अब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न छेड़ियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्टमेव स्वजनम प्रश्न युत्सुम समुपस्थितम सिदतिम मम गात्राणी मुखम च परीक्षति। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था वो उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था और जब वो इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंप होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उसे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्यश्चिना सर्व गुणस्तर समासते सुरा खराब भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथे ना सती धावतो बहि। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भक्त व्रत यानी कि भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण ये है कि मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवशेषी आकृष्ट होता है। वेप थुष्ट शरीरे में रोम हर्षच जायते कांडिवम स्त्रंसते हस्तात्क्वैश्च परिध्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी ये स्पष्ट है वे इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। ना चा शक्नियो म्यवस्थान्तु भ्रमतीव चा मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने के असमर्थ नहीं हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ,
और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वो शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्त ताने विपरीत ताने शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपने आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है।